पैक वैकिंग करते हैं, फिर बस में आराम से सोएंगे भाई। सोना okay, तो नहीं आज। बाय बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज सुबह सुबह लैब हो गया बीटेक वालों का। ऐसा क्या होता था ना, एक्चुअली फ्राइडे को मेरा टर्न होता था लैब कराने के लिए बीटेक वालों का। तो जो टाइमिंग होती थी ना, 3 to 5 होती थी। आज मैसेज आया ग्रुप में कि सुबह सुबह लैब है। मैंने उठा 10:30 बजे, आज सो के उठा, क्योंकि मेरा जनरली उठने का टाइम तो रूटीन चेंज हो गया है, थोड़ा लेट में सोता हूँ, लेट में उठता हूँ। तो अभी फटाक से देखा कि भाई मुझे लैब लेने जाना है, अभी फटाफट तैयार हो गया हूँ। और बाहर आज भाई बहुत दिनों बाद बारिश हुई, कितना अच्छा सा मौसम हो रहा है भाई, बहुत तगड़ा मौसम है। तो एक बार आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं गाइस। वाह यार, क्या व्यू है। See the color, color, color through the lights. Joy of little. हमारे फुटबॉल हैं गाइस, खतरनाक। देखिए फुटबॉल कितने बड़े फैन है कि रूम गैलरी हर जगह खेलते रहते हैं भाई। तो गाइस लेते हैं साइकिल और निकलते हैं फटाक से लैब के लिए। भाई साहब, कितना सड़ा मौसम हो रहा है यार। यहाँ पे बहुत कम टाइम, मतलब बहुत समय के बाद ऐसा मौसम मिलता है, बहुत कम मिलता है इतना तगड़ा मौसम यहाँ पे हो। बारिश भी बहुत कम होती है, लेकिन जब होती है अच्छी खासी होती है। ये देखिए कितना प्यारा मौसम है यार। भाई बारिश होने के बाद जो कैंपस का व्यू हो जाता है ना यार, एक नंबर हो जाता है, पूरा देखने लायक होता है, मस्त एकदम। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। तो गाइज मुझे अपना भी काम करना है, अभी ये ड्यूरेबिलिटी निकालना है और लैब भी लेना है। अभी बीटेक वाले आ रहे हैं, अभी आए नहीं हैं, बाकी पढ़ाने वाले आ चुके हैं टीचर यहाँ पे सब। यार क्या करो, अपना भी काम करो और उनको भी पढ़ाओ यार, ये काम जरूरी है, एक टाइम पे करना होता है ये। ये चूल्हा है, ये अरे रुको यार, ये तवा है, अभी इसके ऊपर रखेंगे तवा। और अभी यहाँ पे आग लग गई है, इसमें रोटी रखा जाएगा, रोटी पकेगा। ये देख रोटी यहाँ पे, ये रोटी है, वाह। ना चिमटा चाहिए ना, चिमटा हाथ से पलट लेंगे, रोटी पक रहा है गाइस यहाँ पे। ये लैब चल रहा है और इसी लैब में रोटी पक रही है। नहीं इसको रोस्ट ना करो, ये नॉर्मल रोटी है, इसको यहाँ से भी पकाते थे चूल्हे पे, यहाँ से। तो गाइज मैं लैब पढ़ा दिया, मतलब हो गया लैब, अब चल रहे हैं लंच करने फूड कोर्ट पे कुछ खाने। तो हम पकड़ लिए हैं मनोहर को, अब चलते हैं फूड कोर्ट पे कुछ लेते हैं, क्योंकि हॉस्टल आ गए थे, फिर से जा रहे हैं फूड कोर्ट, फूड कोर्ट पे खाते हैं। मैं इसका ढाई नहीं, वैसे हम लोग निकल रहे हैं ट्रिप पे, तो अच्छा वीडियो आने वाला है। तो गाइज पैक करा के ला दिए हैं रूम पे, अब बैठ के मस्त आराम से खाते हैं। और आप लोग को बता दें कि कल मॉर्निंग में हमको एक ट्रिप पे निकलना है, सारा क्लास जा रहा है एक साइड विजिट पे, डैम है यहाँ पे कोई आंध्र प्रदेश में। तो टोटल अराउंड 8 to 10 hours की जर्नी है बस से, तो वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा। अब बहुत अच्छा ट्रिप होने वाला है, बहुत अच्छा ब्लॉग आएगा वो, खूब एंजॉय कीजिएगा। तो पहले पेट पूजा करते हैं भाई, बहुत ही भूख लग गई है। हाँ तो गाइज अभी क्रिकेट खेलने का टाइम हो गया है, मस्त ये ग्राउंड है बगल में, चलते हैं मस्त क्रिकेट खेलते हैं। अपना क्लास के 11 सब पहुँच गया वहाँ पे, देखते हैं क्या चल रहा है, बैटिंग है बॉलिंग कुछ क्या है। हमको भी खिलाओ ना भाई, ये देखो भाई ये कपड़े कितने पड़े हैं सब होली के, होली का जश्न का है ये। और 5 ओवर में 40 रन बन चुके हैं, अभी मैं बॉलिंग करके आ चुका, अभी मनोहर बॉलिंग कर रहा है, ये देखिए। तो गाइस बहुत दिनों बाद मैंने क्रिकेट खेलने आया यहाँ पे, बहुत दिनों बाद मैंने कहा आज खेल लेते हैं मस्त एकदम, क्योंकि टूर्नामेंट भी आने वाला है क्रिकेट लीग का और बैडमिंटन का भी आ गया है। मैंने कहा थोड़ा मन किया खेलने का, खेल ले रहा हूँ। बस थोड़ी सी स्पीच पे प्रॉब्लम हल्के से होती है कि बस कंकड़ पत्थर है यार, गिर गया ना तो भाई भयानक चोट लगता है, बहुत भयानक, इसलिए थोड़ा संभाल के खेलना पड़ता है बस। चलो ले लो ले लो, है रन है भाई, रन है। चलो इसका ही देख लेते हैं। राजेश हमारे फिनिशर, एक बॉल पे 6 रन मार के मैच जिताया भाई, तुमने फाड़ दिया यार, एक बॉल पे 6 रन।
तो गाइज मैच हम जीत चुके हैं फाइनली। लास्ट पे एक बॉल 5 रन चाहिए थे, छक्का मार के जीत गए, जीता लिया गया। अब हम चलते हैं, बस एक ही मैच था, उस पर मेरे पास टाइम नहीं, बहुत सारे काम है, तो चलते हैं अपना काम करने। तो गाइज हम लोग ट्रिप पे जो जाने वाले हैं, देखो ट्रिप पे जाने के लिए भाई साहब ने दाढ़ी सेट कराने आया है। लगता है ऐसे भी गंदा रहा है, कटाने के बाद और गंदा लगेगा। तो अच्छा, हाँ कोई मतलब नहीं है कटाने का, सच बता रहा हूँ। देख लो भाई, ट्रिप पे जाने के लिए लोग दाढ़ी सेट करा के जा रहे हैं, क्या बात है, सही है। अच्छा एग्जाम तो चल ही रहा है, दो एग्जाम बचे हैं बस। दो बचे हैं, उसका मीडी तो चल रहा है, ये मीडी का और उसका लैब का मीड होना है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं गाइस, बस एंजॉय करो यार। को आपको नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही तगड़ा होने वाला है। अभी यहाँ पे पैकिंग चल रही है कल ट्रिप की। अभी टाइम हो रहा है कितने बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, हमको निकलना है 2 बजे, हमारे पास 3 आवर्स हैं। तो ये सुदेश अपनी पैकिंग स्टार्ट कर चुका है भाई, ब्रश व्रश रख रहे हो, चलो ब्रश तो मैं ले लूंगा, पेस्ट रख लियो यार, अभी पढ़ना भी है। ठीक है पेस्ट रख लियो, और क्यों मोहन, स्लीपर पेस्ट हैंड वॉश सब तो रख लेगा, हम लोग क्या ले जाए, बस एक सेट कपड़े ले लेते हैं, सब कुछ मैं रख लूंगा, टेंशन मत लो तुम, आराम से चलो आते हुए, बस ठीक है, पावर बैंक भी लौटने रख लिए, सब चलूंगा, सब लेके चल रहा हूँ, तो वहाँ पहुंचो फिर हकीकत पता चल जाए तुम क्या क्या लेके आए, पता चले धोखा में हो, धोखा हो जाए यार, कोई नहीं बैकअप में कोई तो रखेगा भाई, हैंड वॉश तो चाहिए होता है सुबह, यही होता है। वो रील नहीं देखी हो भाई, वो कौन लाया है, क्या कहते हैं, अरे पेपर शॉप ले लेंगे, पेपर शॉप रात में कहाँ लोगे, अब तो टाइम भी ना है, ब्रश तो सब लेके जाते हैं, और फेस कहते हैं ले आएगा, सब यही सोच के आते हैं, लेकिन कोई नहीं आता, कोई नहीं, वहाँ डैम की मिट्टी रहेगी ना देसी वाला। ओ भाई वही बात बोली इसने यार, ओए सुनो तो, फिर तो बाहर ही ग्राउंड में कर लेंगे, डैम के आसपास वहीं पे। देखे चश्मा जरूरी है, कुछ भी हो जाए भाई चश्मा जरूरी है, कोई भी ट्रिप हो है लगा लो, अच्छे तो फिर भी ना लग रहे हो तुम। तो गाइस बस 3 घंटे बचे, मैं भी चलता हूँ पैकिंग वैकिंग करता हूँ, इसका तो क्या कर लिया है, बस थोड़ा बहुत हम सामान रख लेंगे, बाकी तो ले ही जा रहा है। हम लड़के हैं, हमको कहीं जाना होता पैकिंग करनी होती है, तो भाई पैकिंग के लिए क्या है, एक जीन्स एक शर्ट, और अगर बहुत ज्यादा हो तो एक टी शर्ट रख ली, बाकी एक अंडरवियर रख ली बस, और क्या चाहिए हमको, पैकिंग हो गई, जो पहन के जा रहे हैं वो पहन के नहीं आएंगे, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, जो पहन के जा रहे वही पहने रहेंगे, अगले दिन वो पहन लेंगे, दूसरा वाला वही पहन के चले आएंगे, और पूरी और पेस्ट वेस्ट तो पेस्ट वेस्ट क्या, कोई ना कोई तो ले ही आएगा, बात तो सही है, पर हम तो इसके भरोसे जा रहे हैं भाई, भाई दातुन नहीं जाएगा पेस्ट वेस्ट, दातुन होते जंगल में तो जा ही रहे, दातुन कर लेंगे, रात में जब सर बाद में सर पूछे की बेटा कहाँ जा रहे हो, सर दातुन ढूंढ के लाते हैं, नहीं लाए वहाँ पेड़ में लटकना है, तोड़ना है, यहाँ बड़े तो जानेंगे नहीं दातुन क्या होता है, मिट्टी तो मिलेगी, और मुखारी बोलते हैं, मुखारी है। बबूर की होती, नीम की होती। हाँ तो भाई यहीं पे ब्लॉग को खत्म करते हैं, तो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, नेक्स्ट ट्रिप वाला ब्लॉग बहुत ही तगड़ा होने वाला भाई, बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं हम लोग, डैम में घूमने जा रहे हैं, बस साइड विजिट हो जाएगी, अच्छे घूम भी लेंगे। तो भाई आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ ये अभी ब्लॉग खत्म कर रहे हैं, बस नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट होने वाली, जस्ट 2 बजे स्टार्ट हो जाएगी, फिर पैकिंग करते हैं, फिर बस में आराम से सोएंगे भाई, सोना आज, बाय बाय।